हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एचपी पवेलियन का करंट जनरेशन वाला लैपटॉप, जिसमें कि आपको मिलेगा राइजन 5 5600H एंड GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आपको अपडेट करके रखा था और आपके जो जो सवाल वहाँ पे आए थे उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, थर्मल वगैरह कैसे है, लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप कैसा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना। और अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ पुणे में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर आप पुणे में नहीं रहते हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो टाइम्स टाइम का यूज करके। तो अगर आपने एचपी का लैपटॉप लेने का डिसाइड कर लिया है तो ऑनलाइन बाय करने से पहले एक बार फिनिक्स मॉल में एचपी वर्ल्ड इस शोरूम को जरूर विजिट करना। वहां पर वीर भैया से मिलिए, जिन्होंने हमें लैपटॉप अच्छी डील में लाकर दिया था और इसके साथ हमें कुछ फ्री गुडीज भी दिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉप का एड्रेस एंड वीर भैया का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डू नॉट वरी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमने जेन्युइनली लैपटॉप को वहां से परचेस किया है और हमें अच्छी डील भी मिली थी, इसी वजह से मैं भी आपको एनकरेज कर रहा हूँ। एनीवेज, क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, लैपटॉप हमें रिसीव होकर टाइम हो चुका है और हमने इसे हर पॉसिबल तरीके से टेस्ट किया है और आपके लिए आपको एक अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिले, इस वजह से हमने इसे वापस से पैक करके आपके लिए फिर से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पाउच मिला है जिसमें इस लैपटॉप का चार्जिंग केबल और इसका पावर अडेप्टर है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसका पावर अडेप्टर ना काफी अच्छा मुझे लगा, अच्छे क्वालिटी में आया है और यहाँ पे देखो, अब शेड वगैरह भी काफी अच्छे यूज किए गए हैं। ओवरऑल मुझे दिखने में पहली बार लगा कि ये पावर बैंक है। क्या बोला तूने? पावर बैंक है, बट ऐसा नहीं है। इसकी क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी लगी और ये 150 वॉट का भी है। ओवरऑल अच्छे क्वालिटी का पावर अडेप्टर यहाँ पे आपको देखने मिलता है और इसका जो कनेक्टर है ना, आपको ये राउंड बैरल कनेक्टर आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जिससे आप अपने लैपटॉप को बड़ी आसानी से क्विकली चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम के बारे में हम बैटरी सेक्शन में बात करेंगे, अभी के लिए इसे साइड में रख देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में और इधर कुछ नहीं है। अभी हम निकालते हैं हमारा मेन लैपटॉप। तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में यहाँ पे आया हुआ है, इसे भी दिखाता हूँ। देखते हैं कि पहले इस बॉक्स में क्या है। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इसे निकालो बाजू में। अरे, मेरे लैपटॉप उल्टा निकल लिया गड़बड़ी में। ठीक है, इसे सीधा करते हैं। ओके, यू कैन सी, आपको यहाँ पे एचपी का ब्यूटीफुल एंड सेक्सी लुकिंग लैपटॉप आपको देखने मिलता है। देखो, हमें बड़ा सा कोई प्रेम पुस्तक यहाँ पे नहीं मिला है। नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप में ना इतने बड़े बड़े वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल वगैरह होते हैं, इस लैपटॉप में सिंपली हमें एक सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसे भी निकालते हैं साइड में। आते हैं मेन लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप की पैकेजिंग काफी अच्छी आई है, अच्छे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे लैपटॉप को लेकर आया गया है। अंडे की ट्रे वगैरह यहाँ पे हमें नहीं देखने मिली, नॉर्मल यहाँ पे फोम में आपको लैपटॉप देखने मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। चलो, इसे निकालते हैं। ओके, ये गया इधर, ये गया इधर। तो इसे निकालता हूं। गाइज, हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ दिस लैपटॉप, जस्ट देख लीजिए इसे। कितना प्यारा और प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप आपको देखने मिलता है। आई मीन, जस्ट इसके पास एक बार देख लीजिए, देखने पर ना कहीं पर भी नहीं लगेगा कि ये गेमिंग लैपटॉप है। आपको ऐसा लगेगा बहुत ही प्रोफेशनल लैपटॉप है और कोई हाई प्रोफाइल कस्टमर इसे यूज कर रहा है। ये बात मुझे इसके काफी अच्छी लगी। थोड़ा सा वीडियो में बायस हो जाओ ना तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आई है। स्पेशली यहाँ पे पवेलियन की ब्रांडिंग, ये अल्ट्रा वायलेट कलर का लोगो बहुत ऑसम लगता है और यहाँ पे जो आपको ये 3 कर्व डिजाइन देखते हैं ना, आई डोंट नो कि मैं आपको कैमरा में ठीक से दिखा पा रहा हूं नहीं, लेकिन ये ना भाई बहुत स्टाइलिश लगता है और ये ना एक हाई क्लास लैपटॉप की फीलिंग आपको देता है। और इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे पवेलियन की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। यहाँ पे एंटी स्किड मैट देकर रखा हुआ है, जिसके मदद से थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए जगह भी रहेगी और आपका लैपटॉप जो है वो स्किड वगैरह नहीं होगा। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी जगह देकर रखी हुई है और यहाँ पे ड्यूल कूलिंग फैन सिस्टम आपको देकर रखा है। थर्मल सेक्शन में इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। दोस्तों, इसकी डिजाइन जितनी अच्छी है ना, उतने ही जल्दी इस पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं और इसे निकालने में ना भाई, ट्रस्ट में, बहुत मेहनत लगती है। तो यूज करते समय इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। दोस्तों, लैपटॉप के मुंह दिखाई का टाइम आ चुका है और साथ ही में हम ये भी चेक करेंगे कि एक हाथ से ओपन होता है नहीं। सो ये बड़ी ही आसानी से एक हाथ से ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो इसका जो वेट है ना, वो अराउंड 1.98 केजीज का है, तो अराउंड 2 केजी का वेट है, जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी वजह से एक हाथ से बहुत ही आसानी से ओपन हो गया। यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन के लिए एक व्हाइट शीट देकर रखी हुई है, इसे हम निकाल के रख देते हैं बाजू में तब तक के लिए। दोस्तों, जितना सुंदर लैपटॉप बाहर से दिखता है ना, उतना ही सुंदर लैपटॉप अंदर से भी आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे 3D डिजाइन में टॉप फेसिंग
इंटरेस्टिंग साउंड सिस्टम देखने मिलेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट कलर में आपको यहाँ पे कीबोर्ड देखने मिलेगा जो कि ऑफकोर्स एक बैकलिट कीबोर्ड है। इसमें कुछ अलग अलग कलर्स भी आते हैं, कुछ में व्हाइट कलर का बैकलिट कीबोर्ड आता है, कुछ में ग्रीन कलर का आता है और कुछ में वायलेट कलर के आते हैं। वेरिएंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, आप उन्हें एक बार चेक कर लेना। दोस्तों अब जैसे ही लैपटॉप को ओपन करोगे ना, आप देख सकते हो हिंजेस के पास यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा गया है जो कि हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो इस हिंज के वजह से ना लैपटॉप में एक इशू होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। डोंट वरी, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। इसके वजह से ना स्क्रीन वॉबल थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेट मी शो यू हाउ। देखो मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ और थोड़ा भी ऐसे मैं मूव करूंगा ना तो ये स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा मूव होगी। चिंता करने जैसी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज ये हिंजेस साइड में नहीं लगे हुए, सेंटर में लगे हुए, इस वजह से ऐसा ज्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर मैं टॉप लीड फ्लेक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको टॉप लीड फ्लेक्स देखने मिलेगी क्योंकि ये ऑफ कोर्स कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड से बना हुआ है और आपको कीबोर्ड में भी थोड़ी बहुत फ्लेक्स यहाँ पे देखने मिलती है। इतना एक्सपेक्टेड है और इस प्राइस रेंज में ना सभी की बिल्ड क्वालिटी नियर अबाउट ऐसे ही होती है, तो ये चिंता करने जैसी कोई भी बात नहीं है। एनीवेज जल्दी से हम इसे बूटअप करते हैं और इसका बूटअप टाइम भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो देखा आपने कितने फास्ट ये बूटअप हो गया है। दोस्तों इसका बूटअप टाइम भी काफी अच्छा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप में अवेलेबल डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिल जाती है जिसकी कलर एक्यूरेसी 45% एनटीएससी की है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना तब तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डिस्प्ले इसका आपको काफी अच्छा लगने वाला है। आईपीएस क्वालिटी का डिस्प्ले है और 45% एनटीएससी इज गुड इनफ फॉर गेमर्स। लेकिन अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन वगैरह करते हो तब आप ध्यान रखना इसका sRGB वैल्यू में कन्वर्जन 60-70% तक का ही होता है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले के अदर स्पेसिफिकेशन की तो डिस्प्ले में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है जिसकी मदद से आप 144 FPS वाले गेम इसमें बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों एक और अच्छी बात, मान लो कि अगर आप इसे बैटरी मोड में यूज कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि ये 144 हर्ट्ज में ही चलता रहे तो आप इसे 144 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मैं बात डिस्प्ले की कर ही रहा हूं तो आपको बता दूं इसका जो डिस्प्ले का आउटपुट है ना वो लिया गया है IGPU से और इसका जो एक्सटर्नल डिस्प्ले होगा ना उसका आउटपुट होगा आपके डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें एक्सटर्नल मॉनिटर लगाकर गेमिंग वगैरह करते हो ना तो जितने FPS आपका GPU निकाल सकता है ना उतने FPS आप उस मॉनिटर में एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों बात हो गई डिस्प्ले की, अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ मिलने वाले साउंड्स के। तो आपको इसमें टोटल दो स्पीकर देखने मिलेंगे 2-2 वॉट के, मतलब इसमें टोटल आपको 4 वॉट का आउटपुट देखने मिलता है। तो आप ही सुन लीजिए कि इसका साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके साउंड टॉप फेसिंग होने की मदद से ना साउंड आपको काफी क्लियर सुनाई देता है और लाउड भी सुनाई देता है जो कि मुझे इसके काफी अच्छी बात लगी। एक और अच्छी बात, इसका जो साउंड सिस्टम है ना उसे डिजाइन किया गया है B&O ने, तो इसका आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी देखने मिलता है जिसकी मदद से आप और भी अच्छा आउटपुट इस साउंड सिस्टम से निकाल सकते हो। ऑलराइट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल वेब कैमरा और इसमें अवेलेबल इन बिल्ट माइक्रोफोन के बारे में। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप जो क्वालिटी वगैरह देख रहे हो ना तो इसी वेबकैम से रिकॉर्ड हो रहा है। 720p रेजोल्यूशन वाला वेब कैमरा है और यहाँ पे टोटल आपको 2 माइक्रोफोन देखने मिलते हैं और आपको जो अभी आवाज आ रही है ना ये इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल कीबोर्ड के बारे में। तो आपको इस लैपटॉप में अल्ट्रा वायलेट कलर के बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलेंगे जो कि दिखने में काफी ऑसम लगते हैं और आपको थोड़ा सा बहुत गेमिंग वाइब भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसके ऊपर की जो फॉन्ट वगैरह है ना वो थोड़ी सी गेमिंग की आपको डेफिनेटली याद दिलाएगी। प्लस ये जो पावर बटन ना इसमें भी आपको अल्ट्रा वायलेट कलर का लाइट दिखाई देगा जो कि यहाँ पे दिखने में काफी कूल लग रहा है। आप इसके बैकलिट कीबोर्ड को टोटल 3 लेवल में एडजस्ट कर सकते हो। अभी सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और अभी ये सेकंड लेवल के ऊपर है और अभी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका मैक्सिमम लेवल है। तो अंधेरे के टाइम पे टाइपिंग वगैरह करते समय लेटर्स के थ्रू लाइट वगैरह काफी अच्छी आती है। इसके साथ जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो भी मेरा ओके है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, काम चलाऊ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल ट्रैक पैड के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ट्रैक पैड से ना मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना वो रेक्टेंगुलर शेप में आई हुई है और नीचे यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना तो थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लिक की साउंड आता है जो कि उतना प्लेजेंट नहीं यहाँ पे लगता। तो इसके ट्रैक पैड से मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर ना इस पर्टिकुलर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन गलत है, उसे देखकर आप कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं आपको करेक्ट स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में फ्लिपकार्ट पर लिखा गया है कि इसमें आपको
वाईफाई 5 अवेलेबल हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे चेक किया है कि आपको इस लैपटॉप में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट देखने मिलता है, तो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाली। अगर हम बात करें पोर्ट्स की ना, तो पोर्ट सिलेक्शन इस लैपटॉप में काफी अच्छी की गई है। यहाँ पर आपको डीसी पावर इन पोर्ट देखने मिलेगा जिसकी मदद से आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर देकर रखा हुआ है, चार्जिंग होते समय ये ऑरेंज कलर में रहेगा और चार्जिंग फुल हो जाने के बाद ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज अ नाइस थिंग टू हैव। यहाँ पे आपको यूएसबी 3.1 का पोर्ट देखने मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि ये 2.0 का है, बट नहीं, ये 3.1 का ही पोर्ट है। और इस साइड में आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखने मिलेगा एक HDMI पोर्ट, एक आपको यहाँ पे USB 3.1 का पोर्ट देखने मिलेगा जो कि टाइप ए वाला है, एक RJ45 पोर्ट और एक USB टाइप सी पोर्ट जिसमें आपको 5 Gbps की ट्रांसफर स्पीड देखने मिलती है। एंड भाई बहुत अच्छी बात, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देकर रखा हुआ है जो कि इसे और भी ज़्यादा यूजफुल बनाता है। यहाँ पर आपको 3.5mm जैक देखने मिलेगा जिसकी मदद से माइक्रोफोन या फिर हेडफोन आप इसमें बड़ी ही आसानी से अटैच कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे हो। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बताने से पहले आपको मैं इसके क्विक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। लैपटॉप में आपको Ryzen 5 5600H का पावरफुल CPU देखने मिल जाएगा जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है और जिसकी L3 कैश मेमोरी 16 MB की है। तो भाई ये CPU काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मल्टीटास्किंग में वगैरह बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। ठीक है, लैपटॉप में आपको GTX 1650 का डेडिकेटेड GDDR6 4GB ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है। 8GB की DDR4 RAM आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जो कि 32 MHz में ट्यून की गई है और आप RAM को 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ। लैपटॉप में टोटल 2 RAM स्लॉट अवेलेबल है। आप चाहो तो 8 GB के 2 यहाँ पे RAM से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 32 GB तक एक्सपांड करना है तो आपको 16 GB के 2 RAM से यूज़ करने पड़ेंगे। 32 GB तक RAM ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको 512 GB की NVMe M.2 SSD यहाँ पे ऑफर करके रखी गई है, प्लस इसमें एक HDD स्लॉट भी देकर रखा गया है जिसे आप चाहो तो एक हार्ड ड्राइव इसमें लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो SATA SSD इस लैपटॉप में आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके Cinebench R23 टेस्ट के बारे में। तो सिंगल कोर टेस्ट में CPU का स्कोर आया है 1367 पॉइंट्स जो कि काफी अच्छा है और मल्टी कोर टेस्ट में इसका स्कोर आया है 9545 पॉइंट्स जो भाई बहुत ही कमाल के स्कोर है। तो नो डाउट CPU इसका काफी तगड़ा है, आप इसमें हेवी से हेवी वर्क बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से आपको गेमिंग टेस्ट भी आपको मैं अभी इसका दिखा देता हूं। कीप इन माइंड गेमिंग करते समय हमारा जो रूम टेम्परेचर था वो था समवेयर अराउंड 25-26 डिग्री के आसपास। दोस्तों गेमिंग टेस्ट में हमने चलाए सबसे पहले GTA 5। GTA 5 को हमने हाई सेटिंग के ऊपर चलाई और हाई सेटिंग के ऊपर आप देख सकते हो कि आपको आराम से 80-100 FPS बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं। CPU और GPU टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे 80s के रेंज में CPU एंड GPU टेम्परेचर देख रहा है। तो GTA 5 में हाई सेटिंग्स के ऊपर हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। इसके बाद जो हमने गेम ट्राई की थी वो थी शैडो ऑफ द टूम रीडर, और शैडो ऑफ द टूम रीडर को हमने 1080p हाई सेटिंग के ऊपर प्ले किया था और इस सेटिंग के ऊपर आप देख सकते हो कि हमें बहुत ही अच्छे FPS मिल रहे हैं। मतलब हमें कॉन्स्टेंटली 40-50 FPS इसमें बड़ी ही आसानी से मिल रहा है जो कि बिल्कुल एक प्लेएबल FPS है। और CPU और GPU टेम्परेचर भी यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं गया है। CPU टेम्परेचर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 91 डिग्री गया था, लेकिन जैसे ही 91 डिग्री गया उसके बाद इसके थर्मल किकिंग हो गए और इसका टेम्परेचर 80s के रेंज में आ गया और GPU टेम्परेचर उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं मिली। और शैडो ऑफ द टूम रीडर में भी हमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला। इसके बाद हमने जो गेम ट्राई की वो थी Assassin's Creed Odyssey। इसे हमने 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर चलाया और मीडियम सेटिंग के ऊपर भी आप देख सकते हो और CPU टेम्परेचर आप देख सकते हो कि कुछ कुछ सीन्स में ना 70% तक टच हो रहा था जो कि दिखाता है ये गेम CPU को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें इस गेम में FPS काफी अच्छे मिले, हमें कॉन्स्टेंटली 50 के अबव FPS यहाँ पे अचीव हो रहा था। लेकिन हाँ, इस गेम में जो टेम्परेचर थे वो अराउंड 90s के थे। इसके बाद हमने जो गेम यहाँ पे बेंचमार्क करने के लिए ली वो थी Horizon Zero Dawn और इस गेम को हमने 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर बेंचमार्क किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि हमने इसे अल्ट्रा सेटिंग में चलाया और इसी वजह से ना आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा स्टटरिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेक्सचर क्वालिटी और थोड़ा सा ग्राफिक्स क्वालिटी मुझे उतना अच्छा यहाँ पे नहीं देखने मिला। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इसे हाई के ऊपर या फिर मीडियम के ऊपर खेलोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है।
और अल्ट्रा के ऊपर होने की वजह से ना इसमें FPS ड्रॉप वगैरह मुझे देखने मिले। हालांकि टेम्परेचर इसमें उतने ज्यादा नहीं गए, टेम्परेचर यहाँ पे हमें 80s के रेंज में देखने मिले, 85 के ऊपर भी इसका टेम्परेचर का भी टच नहीं हुआ, जो कि मुझे इसकी काफी अच्छी बात लगी। तो इतना तो श्योर है कि 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आप इस गेम को ट्राई नहीं कर सकते, मीडियम सेटिंग में ट्राई कीजिए, आपको अच्छे FPS मिलेंगे और स्टटर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। और दोस्तों लास्ट गेम हमने यहाँ पे जो ट्राई की वो थी डेज गॉन, और इस गेम को हमने 1080p हाई सेटिंग्स के ऊपर प्ले किया। ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिख रहे थे और हमें एक प्लेएबल FPS मिल रहा था, हमें अराउंड 50 के अबव FPS में बहुत ही आसानी से अचीव हो रहे थे और गेम प्ले भी बहुत स्मूथ चल रहा था, टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल में थे, 80s के रेंज में इसके टेम्परेचर थे जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसका थर्मल सिस्टम वाकई काफी अच्छा है, गेमिंग के टाइम पे इसके टेम्परेचर काफी कंट्रोल में आते हैं, जैसे इसका टेम्परेचर 90 को क्रॉस करता है तब। तो आप लोगों ने इसका गेमिंग टेस्ट तो देख लिया, इन लोगों ने आपको नहीं देखा? नहीं, देखा, पूरा देखा। गेमिंग टेस्ट से भाई लोग मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और इसके थर्मल वगैरह भी मुझे काफी अच्छे लगे हैं। हाँ, मुझे पता है कि कुछ कुछ पॉइंट पे इसके थर्मल 91-92 डिग्री तक गए थे, लेकिन उसके बाद ना लैपटॉप ने अपने थर्मल को कुछ ऐसे मैनेज किया कि थर्मल इसके 80s के बीच में आ गए, जो कि मुझे इसकी काफी अच्छी बात लगी। दोस्तों आप गेमिंग तो इसमें बहुत ही आराम से कर ही सकते हो, लेकिन इसी के साथ आप बहुत हेवी सॉफ्टवेयर भी इसमें बड़ी ही आसानी से रन कर सकते हो, जैसे कि Adobe Premiere Pro आप इसमें बहुत ही आराम से रन कर सकते हो, After Effect वगैरह भी आप इसमें बहुत ही आराम से रन कर सकते हो। आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, एंड्रॉइड कोडिंग या फिर 3D के वर्क कोई भी करना हो तो आप उसमें बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि अगर आप थोड़े से हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसकी जो रैम है ना वो आप 16GB करवा लीजिए, आपको एक स्मूथ बटरी एक्सपीरियंस इसमें देखने मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप में अवेलेबल बैटरी एंड इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो लैपटॉप में आपको 52 वाट आवर की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, जो कि 3 सेल की बैटरी है और आपको एक डिसेंट सा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है, कंसीडरिंग कि ये गेमिंग लैपटॉप है। आई मीन हमारे टेस्ट में इस लैपटॉप ने हमें अराउंड 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप दिया, लेकिन हमने इसमें थोड़ा बहुत हेवी यूज भी किया था जब लैपटॉप बैटरी मोड पे था। तो अगर आप बैटरी मोड के ऊपर नॉर्मल वर्क करते हो तो आप बड़ी आसानी से 4-4.5 घंटे का बैटरी बैकअप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए। बट हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, इसका जो डिस्प्ले है ना उसे आपको 60Hz में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको लैपटॉप का बैटरी बैकअप और बेटर देखने मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग होने के लिए लैपटॉप समवेयर अराउंड 100-110 मिनट्स ले लेता है, नॉर्मल है, फास्ट में नहीं कह सकता इस चार्जिंग मोड को। ऑल राइट दोस्तों, लैपटॉप के मैंने ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को कवर कर दिया है, कुछ छूट गया हो तो आप मुझे उसे कमेंट करके बता सकते हो। अभी मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला और बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका ट्रैकपैड, मुझे ट्रैकपैड इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, इसमें सिर्फ 2 USB पोर्ट आते हैं तो ये बहुत लोगों को ना थोड़ा सा कम लग सकता है। एंड थर्ड नेगेटिव पॉइंट इसका बैटरी बैकअप, दोस्तों इसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ही जान लो यार इसमें बहुत पावरफुल इक्विपमेंट लगे हुए है और ये गेमिंग लैपटॉप है, तो अच्छे बैटरी बैकअप का एक्सपेक्टेशन इससे रखना गलती होगी। तो दोस्तों ये था HP Pavilion Gaming Ryzen 5 5600H एडिशन का डिटेल्ड रिव्यू। अब हम बात कर लेते हैं मेरे फाइनल कंक्लूजन की कि क्या इस लैपटॉप को लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो अभी के टाइम पे जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होता है ना, इसकी प्राइसिंग 60,000 रुपीज से लेकर 62-63,000 रुपीज तक वैरी करती रहती है, और इस प्राइसिंग के ऊपर ना इसमें जो स्पेसिफिकेशन और जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो ना भाई लिटरली अनबीटेबल है, आपको कोई और लैपटॉप में ऐसा परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे किसी ने पूछा था कि इस लैपटॉप की वारंटी वगैरह कैसे चेक करते हैं। दोस्तों काफी आसान है, आपको इसका HP हेल्प सेंटर का ऐप ओपन करना होगा और वहां पे जाते ही आपको वारंटी का ऑप्शन दिखाई देगा, वारंटी के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका मॉडल नंबर वगैरह फेच होगा, आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, आपको वारंटी वहां पे दिखाई देगी, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, इट इज वेरी इजी गाइस। बहुत लोगों के यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि हमें इसे लेना चाहिए या फिर HP के विक्टस को लेना चाहिए, तो इसके ऊपर एक जल्दी में डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको लाके दूंगा, आपको उस वीडियो को देखते ही आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैंने इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करके रखी है, इसके साथ जितने भी मॉडल आते हैं उन सभी की लिंक्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कन्फ्यूज भी है कि इस वाले लैपटॉप की अमेजन के ऊपर प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट है और फ्लिपकार्ट के ऊपर थोड़ी सी प्राइस डिफरेंट है। दोनों लैपटॉप में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, अमेजन के ऊपर जो मॉडल है ना उसमें आपको MS Office प्री इंस्टॉल देखने मिल जाता है ऑफिशियल, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाती है और इसी वजह से उसकी प्राइसिंग ज्यादा है। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल रिव्यू इस लैपटॉप के ऊपर, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट करके रख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एनीवे उतना बुरा नहीं है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप। लाइट गीली, शिट 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 शिट, कैमरा ऑफ कर, ही ऑफ कर, बैटरी बात।